हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही झटपट रेसिपी बनाने जा रहे हैं और ये बनेगी पनीर से। तो आइए देखते हैं हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक कप पनीर लिया है जो मैंने क्रम्बल किया हुआ है। मैंने एक टोमेटो चॉप करके लिया है। मैंने एक अनियन चॉप करके लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया। सूखे मसाले में मैंने एक टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। एक टी स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है। एक टी स्पून चाट मसाला पाउडर। एक टी स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। थोड़ा सा तेल, दो हरी मिर्च और आधा कैप्सिकम लिया है मैंने चॉप कर। ये है एक टेबलस्पून जिंजर और एक टीस्पून गार्लिक। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन रख दिया है गरम करने के लिए फ्लेम पे और अब मैं इसमें डालूंगी तेल। तो फ्रेंड्स, हमने पैन गैस पे रख दिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है और तेल अब गरम हो रहा है। इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली और एक चॉप्ड अनियन। अनियन को थोड़ा सौते कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे जिंजर। अदरक डाल दिया, अब हम लहसुन डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कैप्सिकम। इसमें अब मैं सूखे मसाले डालूंगी। ये है एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर और कसूरी मेथी। हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है। तेल में फ्राई कर लेंगे थोड़ा और अब मैं इसमें डालूंगी टोमेटो। टोमेटो को थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं। इसमें अब हम डालेंगे नमक। टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालिए इसमें। तो थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेंगे ताकि टोमेटो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। टोमेटोज अब थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। मैंने क्रम्बल करके रखा हुआ था पनीर, वो मैंने डाल दिया इसमें। ये जो पनीर की रेसिपी है ये आप रोटी के साथ खा सकते हो या इसकी स्टफिंग बना के इसके सैंडविचेस भी बना सकते हो। ब्रेड स्लाइसेस के बीच में इसको स्टफ करके आप इसे टोस्ट करके भी खा सकते हो। मैं इसे ढक के अभी थोड़ा सा कुक कर लूंगी एक दो तीन मिनट के लिए। तो देखते हैं हम हमारा पनीर रेडी हुआ या नहीं। हाँ जी, हो गया है रेडी और ये बनकर अच्छा भी लग रहा है। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। ये रेडी हो चुका है।